नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बीए सेमेस्टर 3 प्रथम बोर्ड हिंदी पेपर 4 7 श्रेष्ठ एकांक, उसमें मित्रों आपकी जो 3 एकांकियां पूर्ण हो चुकी है और चौथी एकांकी जो आपकी है पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे जिनके लेखक है उदय शंकर, इनका परिचय आगे के वीडियो में आपने प्राप्त कर लिया है। तो अब मित्रों हमें इस एकांकी के बारे में चर्चा करनी है, उसकी कथा उसको बताऊंगी। उसमें सबसे पहले मित्रों मैं आपको उसके पात्रों के बारे में जिक्र कर देती हूँ। देखिए मुख्य पात्र जो उसमें है चांदीराम, चितरमल, और उसके जो एक डॉक्टर भी है, फिर और एक क्या है जो सेठ है, और एक सेठ के चाचा है, फिर दो कॉलेजी है, दो कॉलेजी लालचंद व्यक्ति है, फिर दूसरे के जो उसके पात्र है जो डॉक्टर है, फिर जो मुनिम है, मुनिम भी अलग अलग है, बड़ा मुनिम छोटा मुनिम किराएदार है, फिर जो दूसरा एक घासीराम जो है, और उन्हें जो है बड़ा भी है मित्रों और छोटा भी उन्हें है। दारोगा इनकम टैक्स वाला ऑफिसर, इतने थे मुख्य से मुख्य। बाकी कुछ अगुणा पात्रों का उसमें जिक्र है, पर एक खास करके मुख्य पात्र है। इसके अलावा उनके जो नौकर भी है सेठ, क्योंकि यहाँ पर हमने नाम ही देखो सेठ चितर। अब उतने पात्रों के बारे में आकर मैं देखो चांदीराम सेठ चितर मैंने दोनों मुख्य पात्र है, ये चांदीराम चितर का चाचा और इनकम टैक्स के ऑफिसर भी आते हैं, जो कांग्रेस भी है, लालचंद डॉक्टर है, और बड़ा मुनिम छोटा मुनिम दोनों है, अलग अलग व्यक्ति है, किराएदार है, नौकर भी है, पंडित दारोगा है और ऑफिसर। इतने मुख्यतः पात्र मित्र इस कथा में। अब एकांकी का शीर्षक भी कैसा है कि पर्दे के पीछे। उदय शंकर भट्ट शायद अपने साथ रहे हुए हैं, पर क्या उन्हें वर्तमान की स्थिति का भी आभास था, इस प्रश्न का जवाब देना है तो एकांकी बिल्कुल यथातः पटती है। क्यों? जिस स्थिति का वर्णन इतने सालों पहले इस एकांकी में हुआ है वही की वही स्थिति वर्तमान में भी है ही मित्रों, पर्दे के पीछे। जो बड़े बड़े राजकीय कहे और सामाजिक होते हैं, बाहरी रूप में जिस प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा बनाकर कार्य करते हैं, और वही लोग पीछे के रूप में कैसे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इसका बखूबी उदाहरण भट्ट जी ने एकांकी में दिया है। एकांकी का प्रारंभ होता है जो सेठ चितरमल का बड़ा सा जो घर है उसके बाहर एक दुकान पीढ़ी, जिसे हम दुकान तो क्या कहें जो हम लेखक लिखते हैं, एक प्रकार का घर है, पर दालान में इस प्रकार से अलग अलग व्यवस्था कर दी है, बड़े अलग अलग नौकर बैठे हुए हैं। डॉक्टर आते हैं, नौकर से पूछते हैं कि सेठ जी नहीं है कि नहीं, कब तक बैठे रहे इतने में एक
का नौकर आता है घसीराम, कहता है कि डॉक्टर कैसा है, क्या चलता है, आपको पानी वानी पिलाए, ताजा पानी पिलाए। बड़ी बुरी बुरी डॉक्टर कहता है नहीं मुझे छोटी सी, तो ऐसा कुछ करो ना कि मेरी भतीजी को खांसी है तो कोई दवा दे दो तो उसकी खांसी है, मुझे सोने भी नहीं देती, ऐसा कहता है। डॉक्टर जी कहते हैं कब से है खांसी, कहता यही कोई महीने से कि मुझे खांसती है तो उल्टी कर देती है, शांति मिलती है, कहते हैं हाँ दूंगा। इतने में दूसरा चौधरी बड़ा जो आता है छोटा मोटा दूसरा एक दिन, कहता है हो डॉक्टर साहब कैसा है, अच्छा चलता है, फिर अपने नौकर से पुकार कर वो कचोरी मंगवाता है और कहता है कि सेठ जी ऐसा कुछ हो कि मेरी बूढ़ी माँ को जो खांसी हो गई जो, तो क्या कहता है कि आप कचोरी खाते थे, हाँ सीधा डॉक्टर को देखो परिस्थिति का सब क्रोध डॉक्टर के शब्द में बोल पड़ता है, कहते हैं कि डॉक्टर जी सीधा कहते हैं आपको मर नहीं जाते, उनको गुस्सा आता है क्यों मर जाओ, बोला डॉक्टर तुम्हारी बात नहीं सुनी है, कहता हुआ चले कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आप जो बाहर की चीजें खाते हो पेट में होते मैं तुम्हारी बात नहीं सुनी है, कैसा करते हो चले जाते हैं और वो दो गर्मा गर्म कचोरिया मंगवा कर नौकर से खाता है। दूसरा नौकर बीड़ी मंगवाता है कि हाँ बीड़ी भी पीलो कि बीड़ी हाँ डॉक्टर क्या मांगा यहाँ पे, पहले चार आने में पूरा पैकेट बीड़ी का आता है और अब आठ बीड़ी आते हैं, ऐसे से वार्तालाप होते 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 एक आंखें आगे बढ़ती जाते हैं। डॉक्टर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, ये इधर घूमते हैं, कभी शटर्स को घुमाते हैं, कभी ये देखते हैं वो कर, इतने में शेठ जी का शेठ जी का जो आगमन होता है, शेठ जी की उम्र कितनी है 40 साल के आसपास, चेहरे पर पूरे के पूरे चेचक के दाग हैं और बात करते हैं तो पूरा का पूरा चेहरा मुड़े हुए अखबार की बातें हो जाती है, ऊपर जो टोपी पहने हैं ऊपर कोट पहना है धोती पहने और पैर में जूते और पैरों के सभी उंगलियों और अंगूठे तक पर चांदी के छल्ले पहने हुए हैं और इतने में उनके पास आते हैं, हाथ में गेहूं के लिए माला हिलाते 55-60 के आसपास के उम्र के जो चाचा शेठ जी के चाचा लगते हैं चांदी ईरान, वो दोनों आते हैं बात करते हैं कि क्या हो कि डॉक्टर आया है, तो डॉक्टर को उन्होंने क्यों रखा है याद रखना कि सेठ जी ने अपनी बार बार के लिए क्या किया है, डॉक्टर किसका है डॉक्टर ने पशु पक्षियों का अस्पताल को लगा शेष उस पर रखा हुआ डॉक्टर है, डॉक्टर आकर बैठा हुआ है, चाचा जी आकर पूछते हैं क्या है डॉक्टर कैसे चलता है प्राणियों का, कितने प्राणियों का होता है, आठ घोड़े हैं, आठ तेतर है, कबूतर है, घोड़े चार है और इन सबका इलाज चल रहा है। चंद्रयान बहुत ही जिसे हम कहते हैं मारवाड़ी है, अनुभवी गांधी है, कहीं से भी एक रुपया भी नहीं लगती, सीधा ही कहते हैं सुबह में मंदिर गया था तो अस्पताल की ओर गया था कोई नहीं था, तो अब ख्याल नहीं रखते ऐसा सीधा नहीं कहते ऐसे बात करते, क्या सुबह के समय सुना है डॉक्टर प्रैक्टिस करते, डॉक्टर कहता है हाँ आप ही ने तो कहा ना, पर आप ऐसा करते होंगे तो उनका ख्याल कैसे रखते होंगे, तो कहते वो तो रखता हो पर अब 150 रुपये में कैसे चलेगा, 3 बच्चे हैं, मैं हूँ, बूढ़ी माँ है, 6 जने हैं और ऊपर से घर का किराया 40 रुपये रखता है, तो कहते हैं नहीं डॉक्टर ये तो सेवा का काम है, कर दोगे, तब डॉक्टर एक बात क्या बोलता है बहुत ही सचोट और सटीक है, सेवा से पेट नहीं भरता है, सेवा से पेट नहीं भरता है, तब सेठ जी मैं भी सेवा ही कर लेता, तब उनको पसंद नहीं आता कि फिर छीतर में सीधा पूछते हैं कि हाँ चलो पूछ हुआ तुमने अपने अस्पताल के बारे में कहाँ कहाँ बताया, तो कहते हैं कि आदर्श में आया है, आदर्श जो न्यूज पेपर
कहता है कि आदेश माना है, तो शेर जी सीधा क्या कहते हैं, वो तो आएगा ही, वो तो मेरी पहचान वाला है ना आदेश वाला, तुमने कहीं और अपनी जगह से चलो छपवाया, कहता है हाँ, अपने एक दूसरे अखबार का नाम लेता है, जो कहता है कि हाँ वो छापने वाला मेरा मित्र है, तो उसने छापा कि मैं नौकरी करता रहे, क्योंकि उसने तो तुम्हारे ही पहचान से तुम्हारे में छापा, तुम्हारे गुणगान की, मेरे उसमें क्या गुणगान है, ऐसा कुछ करो कि मेरे गुणगान रोज रोज अखबार में अलग अलग में आने चाहिए और हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। चांदनी आप कहते हाँ देखो लोग क्या करते हैं, मनुष्य के लिए अस्पताल होते हैं, सेठ जी ने देखो पशु पक्षियों के अस्पताल होते हैं, जब मैं जाता हूँ रास्ते में ऐसे घूमे पशु पक्षियों को देखता हूँ दुखी होते हुए, चंद्रयाम कहता है तब मेरा हृदय दर्दित हो जाता है, ऐसी बातें बताता है। तब फिर से डॉक्टर के लिए ये बात आती है, कुछ भी करो वेतन का कलव, तो फिर डॉक्टर नहीं राजा कहता कि आपके पास इतने सारे मकान हैं, मुझे एक मकान दे दो तो मुझे मेरी समस्या खत्म हो जाएगी, तो कहता है नहीं ऐसे कैसे मकान मिलेगा, एक एक मकान 150-250 में चलता है, तुम्हें कैसे दे, तो कहता है तो क्या करो कि कुछ भी करो, फिर कहता है कि चलो। फिर सेठ जी के लिए चांदीराम कहता है कि हाँ, ऊपर से बात होती है बड़ा मुनि माँ का, कहता है कि क्या बात हुई, क्या सेठ जी और वो ऑफिस से जाकर आ रहे हैं, तो इनकम टैक्स वाले की कुछ बात है, तो कहते हैं हाँ क्या करें कि हाँ कमाते हैं तो उसमें मेरी मानी का उसमें क्या चलता है, तब नौकरों के बीच में वार्तालाप होता है कि इस साल पता है सेठ का कितना मुनाफा हुआ, लाख ऊपर का, कहते हैं ओहो, और सेठ जी और दूसरे मुनिम दोनों मुनिम एक एक दूसरे को आंकड़े देकर मिलाते हैं, जो कहता है एक दो तो कोई भी रकम 3 या 4 अंक से नीचे नहीं है और इसकी गिनती लगाती है। तब एक छोटा सा मकर बोलता है इतने सारा सेठ जी को मुनाफा हमें क्या मिला, क्यों क्या एक ज्योति और मुक्ता दे दिया वही हो गए, इसके बाद ये घर की समस्या है। तब वो कहते हैं कि हाँ, तब चांदीराम कहते हैं कि इस प्रकार से कुछ ना कुछ तो जो कमाते हैं तो देखो उसका पुण्य तो करते हैं, तो उसका कमाई पाप की जो भी आती तो भी चले जाएगी ना, सेठ जी ने इतना बड़ा अस्पताल खोला है तो इतने बड़े पुण्य करना, इतना काम को करता है, और सेठ जी की इच्छा है कि कोई ना कोई अखबार में मेरी प्रशंसा पत्र, डॉक्टर के लिए प्रश्नार्थ होता है कि कोई ना कोई अखबार में आएगा तो अखबार वाला तो मांगेगा ही मुझसे पैसा, अखबार वाला को क्या फायदा, तब सेठ जी सीधा कह देते हैं क्यों नहीं फायदा होगा, हम उसके जो कस्टमर बनेंगे, एक तुम बनना मैं बनूंगा कंपाउंडर, अब कंपाउंडर के कितने पैसे आएंगे, कितनी वेतन होगी, डॉक्टर को मुश्किल से 150 तो वो बेचारा अखबार खरीदेगा, फिर वो कुछ बोलता नहीं और वो छापेगा तो कुछ तो मांगेगा ही, ऐसी कुछ बात सुनते हैं और मात्र 10 रुपये बढ़ा देते हैं और डॉक्टर भी दुखी है। फिर जो चांदीराम का एक वाक्य जो आता है वो बहुत ही सटीक है, इसे कान की देखे कहता है क्या कमाओ तो एक आना भूसी में डाल दो, एक आना अफसरों का मुंह बंद कर दो, और जो एक आना दूसरे व्यक्तियों को दे दो वो बोलेगा नहीं, इसके लिए मेरा संगम के लिए मोस्ट आया हुआ चंदीराम कहते हैं कि जो उसके लिए इनकम टैक्स की बात है कि इनकम टैक्स ज्यादा आएगा नहीं देंगे तो और भी समस्या होगी और पकड़े जाएंगे, इसकी चिंता रहती है। तब वो कहता है कि कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाल दो तो काटना क्या भौंकना भी छोड़ देता है, कुत्ते का रोटी का टुकड़ा डालो तो काटना क्या भौंकना भी छोड़ देता है। चांदीराम का कहना है कि इन बड़े बड़े अफसरों को थोड़े थोड़े पैसे डाल दो तो वो कोई भी प्रकार की कमी निकालेंगे नहीं और अपना काम तुरंत कर देंगे, जो लोहे का उनका व्यापार है जो चांदी का करते हैं उन सभी में कोई ना कोई कमी नहीं निकालेंगे, उनका काम कर देंगे। इनकम टैक्स की अब बात आई है तो उनको भी डाल दो, यहाँ पर उन सब अधिकारियों को प्रतीकात्मक रूप से चांदीराम कुत्ता कहता है, कहेंगे तो भी करते हैं।
काम पड़ता है तो काटना क्या बोलना भी छोड़ देता है, उनको पैसे दे देते तो कमियां निकालना बंद कर देंगे, हमारा काम कर देंगे। और इतना कहते हैं और डॉक्टर को समझा कर जो हमारी बात हुई वैसे 10 रुपये बढ़ाकर बात टाल दें। इतने में बड़े मुनि वहां कर कहते हैं कि हाँ सुना है तुम्हारा कोई पहचानने वाला इनकम टैक्स में है। तो डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहते हैं, कहते हाँ मेरे साले का जो चाचा का साला है इनकम टैक्स से कहते हैं। तो हाँ चलो चलो तुम्हें फिर तुरंत चाचा और पति से बदल देते कि चलो डॉक्टर को गाड़ी दे दो अपनी गाड़ी दो और उनको भेजो उन अफसर के पास जो वो जाकर आए। तो थोड़ी देर के लिए डॉक्टर सोचता है कि अभी मुझसे ठीक से बात नहीं करते और गाड़ी देने के लिए तैयार है क्योंकि वहाँ पर उनकी स्वार्थता है। जो मुनीम है उनके लिए कोई ना कोई रास्ता रहता है क्योंकि मुनीम कहता है सेठ जी तो कितने बड़े अच्छे पुण्य चाली हैं, भगवान जैसे मेरी बेटी की शादी में उन्होंने जिम्मेदारी रखा कर रहे और मैं भी जब बीमार था डॉक्टर से कहा जितने पैसे उसकी चिंता मत करना मेरे मुनीम को मुझे ठीक चाहिए। इस प्रकार के जो सेठ जी की प्रशंसा करता रहता है। यहाँ पर डॉक्टर को वो आगे बेचते हैं अफसर के पास कि तुम अफसर के पास चले जाओ। और यहाँ तक का जो एकाकी वैसे यहाँ पर एक ही दृश्य पूजा का पूरा होता है उसे बदलता नहीं है तो यहाँ पर ये दृश्य पहला आधा होता है। हमने चर्चा करते इसकी आगे की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।